हेलो फ्रेंड्स स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है मैं आपका दोस्त बशीष ठाजरा दोस्तों अभी हम लोग हिट ट्रीटमेंट चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज़ में हैं ये इस सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है जहां पे हम लोग हिट ट्रीटमेंट चैप्टर को डिस्कसन करते हैं आप अगर आईटीआई की ट्रेनिंग है सी आई टी एस की ट्रेनिंग है या आप आई टी आई सी आई टी एस के बाद किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है आपने अगर पूरा तैयारी करना चाहते हैं ट्रेड थियोरी एंड अदर सब्जेक्ट की तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से अपना पसंदीदा वीडियो देख लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका जो तैयारियां हैं वो बिना रोके के चलते रहे चलिए शुरू करते हैं उसमा उपाचार विधि एनलिंग क्यों की की जाती है आपको पूछा जा रहा है कि एनलिंग क्यों किया जा जाता है तो एनलिंग किया जाता है किसी हार्ड मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए उसका मेसिनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है और ऑप्शन बी सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए सॉफ्ट होगा तो क्या होगा कि मटेरियल uh, मेसिनेबल होगा हम लोग उसको आसानी से मेसिनंग कर सकेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण को मिश्रण क्या होता है दोस्तों ये जो लोहे का जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूटेंट है और इसको माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं आपको पूरे हिट ट्रीटमेंट को समझने के लिए इस माइक्रो स्ट्रक्चर की ज्ञान आवश्यक है ठीक है ये सारे जो ग्रेन स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए ठीक है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा ठीक है तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा तो फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिश्रण है उसको बोलता है पेयरलाइट ठीक है इट इज़ द पेरालाइट क्या है इट इज़ द लेमेलर मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइट इन द फेराइट मैट्रिक्स मतलब सीमेंटाइट uh, uh, जो होता है ये लेमेलर होता है मतलब मान लो आपकी बाल्टी में एक पानी है उस पानी के अंदर में आप कांच का प्लेट को ठीक है घुसा दिए हो तो आपको बाहर से क्या दिखेगा एक लेयर पानी रहेगा और एक लेयर कांच रहेगा तो प्यार लाइट जो होता है बिल्कुल इस प्रकार का होता है तो पेरलाइट का बारे में बोलता है इट इज़ द लैमलर मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइट इन द फेराइट मैट्रिक्स तो फेराइट और सीमेंटाइट का जो मिश्रण है उसको पेयरलाइट बोलते हैं यहाँ पे भी टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन है ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन जो है आपको इसको थोड़ा कैसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा फिर मेरे साथ धीरे धीरे इसका अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन है हार्डनिंग करते समय हर का हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान होता है तो ठीक है आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया जो लोहे का किसी भी कॉम्पोजिशन के लिए उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है चाहे उसमें टू परसेंट कार्बन रहे चाहे थ्री परसेंट फोर परसेंट और सॉरी पॉइंट टू परसेंट पॉइंट थ्री परसेंट और वन परसेंट कितना भी कार्बन रहे ठीक है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा एक ही होता है जो है सात सौ तेईस डिग्री सेंटीग्रेड बट कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उसकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी करता है आप लोग अगर इसको तो अपने अगर आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को स्टडी करेंगे तो इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का बीच में जो जगह होता है जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेंज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारालाइट में सीमेंटाइट की मात्रा होती है तो प्यारालाइट में सीमेंटाइट की मात्रा होता है थर्टीन परसेंट ठीक है हमने पहले भी देखा कि प्यारालाइट क्या होता है ये फेराइट और सीमेंटाइट की मिक्सर है ठीक है तो फेराइट और सीमेंटाइट की मिक्सर में सीमेंटाइट की मात्रा होता है थर्टीन परसेंट दोस्तों ये जो एम आप कर रहे हो ठीक है इसको आप अच्छे से पढ़िए ये जो स्टडी है ये थियोरी से कोई कम नहीं है ये सारे क्वेश्चन करते करते आप देखेंगे कि आपका हीट ट्रीटमेंट चैप्टर को जो आप इतने दिन डरते रहते थे एक लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया ये सारे क्वेश्चन करते करते तो ठीक है यूं ही आपकी पूरी चैप्टर ठीक ठीक है कैसे आपकी दिमाग में बैठ जाएगा आपको मैंने पता भी नहीं चलेगा निम्न में से हीट ट्रीटमेंट की उद्देश्य है तो ठीक है हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है ठीक थी, मैंने हीट ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत सारे हैं ठीक है मगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टील की जान्तिक गुणों को बदलना तो मतलब ऑल्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेरियल मतलब कोई मेटल हार्ड है उसको सॉफ्ट बनाना सॉफ्ट को हार्ड बनाना हार्ड मेटल की टफनेस बढ़ाना ये ही ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए निम्न में क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम कौन सा है तो कुण, तो क्विंचिंग मीडियम जो है वो बहुत सारा होता है तो आपको पूछ रहा है इसका बढ़ता क्रम मतलब किसमें क्विंचिंग धीरे धीरे होता है और किसमें क्विंचिंग तो तेजी से होता है यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और मन ही मन में आपको एनालाइज करना पड़ेगा जैसे ऑप्शन नंबर बी से ही है पहले फोर्स एयर उसके बाद तेल उसके बाद ब्राइन सॉल्यूशन आप अगर तेजी से हवा का ब्लास्ट मेटल के अंदर देंगे तो मेटल कम धीरे धीरे ठंड धीरे धीरे ठंडा होगा तेल में उससे जल्दी ठंडा होगा ब्राइन सॉल्यूशन में उससे भी जल्दी ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ये ठीक ठीक नमक का घोल और कहते हैं नमक को अगर किसी टेम्परेचर में रखेंगे तो वो मन बिगड़ जाएगा उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं और एक तो न कभी कभी हम लोग नमक के साथ पानी मिला के भी ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे कहते हैं नमक बोले तो ना सोडियम क्लोराइड भी कभी कभी इस्तेमाल होता है और सोडियम क्लोराइड के साथ आ, के अलावा कभी कभी मैग्नीशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल होता है स्टील की अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है उसको कहलाता है देखो इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी सुने हैं देखो आपको पूरे नॉलेज के लिए ये हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ का जितने सारे वीडियो है उसको देखना जरूरी है आप अगर देखेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट के बारे में स्टील की अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है उसको ऑस्टेनाइट कहलाते हैं ठीक है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है जहाँ पे मेटेरियल का माइक्रोस्ट्रक्चर बदलना शुरू होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है जहाँ पे मेटल पूरी तरह से बदल के एक नया माइक्रोस्ट्रक्चर में बदल जाता है उसको बोलता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर और चेंज होने के कुछ बचता नहीं है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में सारे के ऊपर सारे मटेरियल जो है वो सारे कॉम्पोजिशन तो वाला जो मटेरियल है वो सारे के सारे ऑस्टेनाइट में बदल जाता है ठीक है और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में ऑस्टेनाइट बनना शुरू होता है ठीक है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट की स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है ये, ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी एक था वो है ऑस्टेनाइट ठीक है क्योंकि ऑस्टेनाइट मिलता ही है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर से लेके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर पूरा पूरा ऑस्टेनाइट ही मिलता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑस्टेनाइट बनता है और जो ये जो 723 डिग्री लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो ये मेटल का क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर है कि क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं जहाँ पे जिस टेम्परेचर में मेटल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा पूरा खत्म हो जाता है जहाँ मतलब जहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो वहाँ पे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा ही नहीं तो ऑस्टेनाइट में मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो उसको क्या कहलाता है दोस्तों उसको मार्टन साइट कहलाता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी होने चाहिए अगर आप ट्रीटमेंट चैप्टर को समझना चाहते हो तो ठीक है तो किसी भी मेटल को हार्डनेस कर हार्डनिंग हाडन, करना माना सारे के सारे स्ट्रक्चर को मार्टन साइड में बदल देना हा हार्डनिंग माना मतलब मार्टन साइड पीपरेशन तो ठीक ठीक ऑस्टेनाइट को तुरंत ठंडा करेंगे तो वो मार्टन साइड बनेगा अगर ऑस्टेनाइट को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो मैंने पैरालाइट बनेगा आ, आ, फेराइट और पैर पैन पेर, बनेगा आ, ठीक है आपकी जो एनलिंग हीटेडमहैन में में फाइन पैरालाइट बनता है और नॉर्मलाइजिंग में कोर्स पैरालाइट बनता है बहुत धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो फाइन पैरलाइट बनेंगे इह, मतलब बहुत धीरे धीरे मतलब उसको फारनेस के अंदर अगर उसको खुली हवा में ठंडा करेंगे तो वो नॉर्मलाइजिंग होगा माना कि कोर्स पैरालाइट बन रहा है अगर उसको तेजी से ठंडा करेंगे तो मार्टिन साइड बनेगा आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा ठीक है हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील के टूल को हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्विंचिंग मीडियम की प्रयोग किया जाता है तो हाई स्पीड टूल स्टील का हार्डनिंग करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक थी, है ये एक साइंस बाद में है ये एक आर्ट है आप लोग अगर आ, का प्रैक्टिकल थी तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा आप किसी कंपनी में अगर काम करते आपको हार्डनिंग के जहाँ पे हार्डनिंग और हीट ट्रीटमेंट होता है तो आपको ये सारा चीज़ बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन साइज स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसमें बनता है ट्रूस्टाइट जो टेम्पर्ड मार्टेन साइट है टेम्प, टेम्पर्ड मार्टेन साइट का ही एक नाम है ट्रुस्टाइट ठीक है जो जो मतलब आपको सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि टेम्परिंग में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है टेम्परिंग में आपकी ट्रूस्टाइड बनता है तो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट की हुई स्टील की कंपोनेंट को टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है टफनेस बढ़ाना ठीक 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 है यहाँ पे और एक तो उद्देश्य है ब्रिटिलनेस को घटाना तो ब्रिटिलनेस को घटाना तो ऑप्शन में है नहीं तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा टफनेस को बढ़ाना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है तो टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है सॉरवाइट ठीक है ओके तो ठीक है इसका बाकी जो सवाल बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए अलविदा खुश रहिए